Hi everyone, this is Shishir. Welcome to my YouTube channel Shishir Ki Paathshala. As you all know that we all are preparing for our upcoming CTET 2024. तो चलिए आज से जो आपको पता है कि हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं सीडीपी और ईवीएस का, मैं आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराऊंगा, वो चाहे सीटेट हो, चाहे केवीएस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जिसमें अगर आपकी सीडीपी या टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग मेथोलॉजी आती है और किसी में एग्जाम में भी ईवीएस आती है, तो उसी को लेके सीटेट की जो सीडीपी है उसकी प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट है। बाकी क्लासेस आपको हो ही रही हैं, मैथमेटिक्स की पेडागॉजी हो रही है, बाकी आपको ईवीएस लगभग कंप्लीट होने वाला है, एक दो टॉपिक बचे हैं उसको मैं जल्दी करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 26-25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, ये पार्ट टू है। तो कंटेम्प्रेरी थियरीज कॉन्सेप्चुलाइज इंटेलिजेंस एस, आपको बताना है कि भैया जो समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार आधारित करते हैं। पहला अनडाइमेंशनल जनरल एबिलिटी, सेकेंड मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी हैविंग सेवरल डिफरेंट एस्पेक्ट्स, थर्ड एन एबिलिटी नॉट इन्फ्लुएंस बाई हेरिडिटी, एंड फोर्थ एन एबिलिटी नॉट इन्फ्लुएंस बाई एनवायरमेंट फैक्टर्स। आपको बताना है कि जल्दी से बताइए समकालीन सिद्धांत बुद्धि के किस प्रकार आधारित होते हैं, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड। सेकेंड क्या है भैया राइट आंसर, बहुदिशीय क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस स्टेट्स दैट, बताना है आपको। पहला इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दूसरा इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्सीलरेटेड, थर्ड इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, फोर्थ इंटेलिजेंस लेवल्स आर सेम अमंग ऑल इंडिविजुअल्स। आपको बताना है बहुबुद्धि सिद्धांत क्या कहता है, बताइए जल्दी से। 27 क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा 27 का पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा पहला, इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, बहु बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। अब आगे चलते हैं 28 पे, स्टूडेंट इज अ वेरी गुड एट इंटरप्रेटिंग द इंटेंशंस मोटिवेशन लेवल मूड्स ऑफ द क्लासमेट्स, अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दिस स्टूडेंट हैज डैश इंटेलिजेंस। बताना है आपको, एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों के इरादों के प्रेरणा स्तर तथा मनोदशा को उचित प्रकार में समझने में सक्षम है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी में किस प्रकार की बुद्धि है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर सेकंड है, इंटरपर्सनल जिसको अंतर्वैयक्तिक बुद्धि बोलते हैं। ठीक है, 29 में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज अबाउट इंटेलिजेंस सपोर्ट्स द रेस्पेक्टफुल कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स, पहला इंटेलिजेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दूसरा इंटेलिजेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स, थर्ड आईक्यू टेस्ट आर द ओनली मेजर्स ऑफ इंटेलिजेंस, एंड फोर्थ इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड कैन चेंज एवरी ओवर टाइम। बताना है आपको कि बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं 30, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड प्रपोज्ड एन अल्टरनेटिव थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, आपको बताना है कि भैया जीन पियाजे, दूसरा है हार्वर्ड गार्डनर, तीसरा है लेव वाइगोत्स्की, एंड फोर्थ ही चार्ल्स स्पीयरमैन। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया, पहला है जीन पियाजे, दूसरा हार्वर्ड गार्डनर, तीसरा लेव वाइगोत्स्की, एंड फोर्थ ही चार्ल्स स्पीयरमैन, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इज द राइट आंसर, कौन, हार्वर्ड गार्डनर। चलते हैं 31 पे, इंटेलिजेंस इज डैश अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर, अ नेगेटिव चेंज इन बिहेवियर, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, फोर्थ अ सेट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटीज। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है, बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर, कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह, अ सेट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटीज। आगे चलते हैं 32 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्टेट पॉसिबिलिटीज एज पर एस थियरी ऑफ हार्वर्ड गार्डनर, पहला है इंटेलिजेंस लिंग्विस्टिक एंड स्टेट, दूसरा क्या है पॉसिबिलिटी अकाउंटेंट, थर्ड है दूसरा इंटेलिजेंस स्पैटियल एंड स्टेट पॉसिबिलिटी आर्किटेक्ट, थर्ड इंटेलिजेंस बॉडिली काइनेस्थेटिक एंड स्टेट पॉसिबिलिटी सिंगर, फोर्थ इंटेलिजेंस नेचुरलिस्टिक काइनेस्थेटिक टीचर। आपको बताना है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
सेकंड इज द राइट आंसर बुद्धि का जो प्रकार है, स्थानिक अंत स्थिति अनुपालन संभावना वास्तुकार। ठीक है, अब आगे चलते हैं 33। एस पर कंटेम्परेरी थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इज बताना है मेयर एबिलिटी टू इमिटेट अदर, अ स्पेसिफिक एबिलिटी, थर्ड अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, एंड फोर्थ इज अ सिंगुलर एंड जेनेरिक कॉन्सेप्ट। बुद्धिमता के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि क्या है बताइए। पहला केवल दूसरों की नकल करने की क्षमता, दूसरा एक विशिष्ट एकाकी क्षमता, तीसरा अक्षमताओं का एक समूह, एंड चौथा एक विलक्षण और समान अवधारणा। बताइए आप जल्दी से। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, अक्षमताओं का एक समूह, अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज। चलिए अब चलते हैं 34 पे, क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड द एंड स्टेट पॉसिबिलिटीज एज पर थियरी ऑफ हार्वर्ड गार्डनर। पहला इंटेलिजेंस लॉजिको मैथमेटिकल एंड स्टेट पॉसिबिलिटी अकाउंट, दूसरा इंटेलिजेंस स्पैटियल एंड स्टेट पॉसिबिलिटी एथलिटी एथलीट, एंड थर्ड इंटेलिजेंस लिंग्विस्टिक एंड स्टेट पॉसिबिलिटी नेविगेटर, फोर्थ इंटेलिजेंस इंटरपर्सनल एंड स्टेट पॉसिबिलिटी डांसर। बताना है, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतर स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा बुद्धि का प्रकार भाषिक अंतर स्थिति अनुपालन संभावना लेखापाल। ठीक है, आगे चलते हैं 35। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कंसर्न्स अबाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट टू मेजर चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस। पहला है इनस्टेबिलिटी ऑफ स्कोर, दूसरा कल्चरल बायस इन टेस्ट, थर्ड प्रोडक्ट ओरिएंटेडनेस ऑफ टेस्ट, एंड फोर्थ इज लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन। आपको बताना है, चलिए हिंदी की तरफ चलते हैं। हिंदी और हिंदू मुस्लिम भाई भाई और भाई हिंदी इंग्लिश भाई भाई, ठीक है, दोनों भाई भाई हैं तो भाई भाई करके पढ़ेंगे। बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए आईक्यू इंटेलिजेंस कोशेंट का इस्तेमाल करने के क्या मुख्य सरोकार हैं? पहला है प्राप्तांक की अस्थिरता, दूसरा है परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, तीसरा है परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना, फोर्थ है बच्चों को नामांकित करना। आपको बताना है जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भैया हो जाएगा आपका सेकंड। सेकंड मतलब चारों सही है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे पहुंच गए। धीरे धीरे हम सीढ़ियां चढ़ते चलेंगे, ऐसे ही मालिक हम जीतेंगे जरूर। तो आप भी जीतेंगे, आप साथ रहेंगे मेरे तो जरूर जीतेंगे। आपको बोरिंग लग रहा होगा कि ऐसे किताब से करा रहा है, ऐसे करा रहा है। देखिए प्रैक्टिस है, और पढ़ने वाले कैसे भी पढ़ते हैं, और सारी चीज़ सब यही कराते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ फॉर्म में टाइप करा लेते हैं और वो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। आपको बस देखने में अच्छा लगता है, जो अच्छा नहीं दिखता वही सच में अच्छा होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर। पहला थेरेपिस्ट, बायोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, सेकंड एथलेटिक, क्रिएटिव, एक्सप्रेसिव, एंड थर्ड प्रैक्टिकल, एनालिटिकल, क्रिएटिव, एंड फोर्थ इज इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्ट, बॉडीली, काइनेस्थेटिक। कौन सा विकल्प बुद्धि के प्रकार के लिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सही है बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, अंतः व्यक्ति, जिसको प्रकृतिवादी शारीरिक रूप से क्रियाशील बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं 37। यूज ऑफ आईक्यू टेस्ट एज अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, पहला इज वैलिड सिंस दे कैन प्रेडिक्ट इंटेलिजेंस एक्यूरेटली, सेकंड हैज बीन क्रिटिसाइज्ड सिंस मेनी टेस्ट आर कल्चरली बायस्ड, थर्ड इज वेरी हेल्प यूजफुल टू रैंक एंड सॉर्ट स्टूडेंट्स इन क्लियर कट कैटेगरीज फॉर द एजुकेबिलिटी, फोर्थ हेल्प्स द टीचर इन प्रेडिक्टिंग स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड सक्सेस। जल्दी से बताइए भैया, बुद्धिमता को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षाओं का उपयोग का के प्रयोग बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर आपके सामने ऑप्शन है भैया, हिंदी पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़िए। इसकी आलोचना की गई है क्योंकि कई परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं 38 पे। इन द लाइट ऑफ कंटेम्परेरी थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस सच एज दैट ऑफ हार्वर्ड गार्डनर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला, इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, सेकंड इंटेलिजेंस कंप्राइजेस ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस, थर्ड इंटेलिजेंस इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फोर्थ इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर्ड बाय प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट। आपको बताना है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि बुद्धिमता मतलब हिंदी में क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं भाई, हिंदी को नहीं छोड़ेंगे हम, हिंदी वाले का है छोड़ें, हिंदू मुस्लिम भाई भाई तो हिंदी इंग्लिश भाई भाई। बुद्धिमता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है बताइए जल्दी से। ये ऑप्शन आपके सामने है, ये भी लास्ट ऑप्शन भी देख लीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए यही देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा बुद्धि का सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता,
बुद्धि परीक्षण तुलनात्मक परीक्षण होते हैं, सटीक आईक्यू नहीं निकलता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 39 इन हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी पर्सन हाई ऑन डैश इंटेलिजेंस कैन रिकॉग्नाइज एंड आर अवेयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ डिफरेंट स्पेसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना। गजब का क्वेश्चन पूछ लिया है आपने। स्पेटियल, नेचुरलिस्टिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल। आजकल क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना को घुसा दिया ज्योग्राफी वाले के। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। प्रकृतिवादी भैया, अगर आप नेचर से प्यार करते हैं तो आपको नेचर से प्यार हो जाएगा। ठीक है, आजकल नेचर से प्यार करिए, इंसानों से कम प्यार करिए। ठीक है, नेचर से प्यार करेंगे तो नेचर आपको जिंदा रखेगा, क्योंकि भाई ऑक्सीजन तो वही देता है और ऑक्सीजन वही जिंदा रखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन फिट्स द लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस प्रपोज्ड बाय हार्वर्ड गार्डनर। पहला है सेंसिटिविटी एंड कैपेसिटी टू थिंक अबाउट इशूज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। सेकेंड, सेंसिटिविटी टू रिदम एंड साउंड। थर्ड, पोटेंशियल टू रिकॉग्नाइज एंड मैनिपुलेट द पैटर्न्स ऑफ स्पीच। फोर्थ, कैपेसिटी टू एनालाइज प्रॉब्लम बाय रीजनिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग इशूज साइंटिफिकली। जल्दी से बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी हम क्वेश्चन हुआ पढ़ ले भैया, हिंदी वाले को कहे छोड़े, हिंदी वाले हमारे भाई हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो हिंदी अंग्रेजी भाई भाई। निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है। बताइए जल्दी से हिंदी वाले भैया लोग, हमारे हिंदी भैया वाले लोग, आप लोग कमेंटवा नहीं करते हैं, कमेंट कर दिया करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले हमें भी और हमें लगे कि आप देख रहे हैं। ठीक, यही क्वेश्चन आपको जिताएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा है, पेपर देख आइएगा, तब देखिएगा, तब देखेंगे आप जरूर। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज पर हार्वर्ड गार्डनर। पहला, इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड एंड स्टेबल ट्रेट। दूसरा, इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर्ड एंड ग्रोन। इंटेलिजेंस इज ऑफ सेवरल काइंड्स रेदर देन डोमिनेटेड बाय अ जनरल फैक्टर। फोर्थ, इंटेलिजेंस कैन नॉट बी टाइड टू अ सिंगल डोमेन। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बुद्धिमता, जल्दी से बताइए, तीन ऑप्शन आपके सामने हैं। हिंदी, देखो चौथा ऑप्शन वहां दिखा दे। बुद्धिमता को काकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता, तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। पहला क्या है भैया, कि बुद्धिमता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है। चलते हैं आपको 42 की तरफ लेके। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर्स, हार्वर्ड गार्डनर से खूब क्वेश्चन पूछा है, भर भर के पूछा है, हम अभी पढ़ाएंगे आपको, चिंता मत करिए। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आइडिया लगे कैसे क्वेश्चन आता है। According to Howard Gardner's theory of multiple intelligence, while of the following terms is applied to the ability to perceive the visual words accurately and to perform transformation on one's initial perception. पहला है bodily kinesthetic and intelligence, दूसरा है spatial intelligence, third है logical mathematical intelligence and fourth is interpersonal intelligence. Howard Gardner के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरीके से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इज द राइट आंसर, स्थानिक बुद्धि। ठीक है, तो इसी के साथ इसका हम लोगों ने कर लिया क्वेश्चन खत्म। टाटा बाय बाय हो गया भैया, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में एक नया टॉपिक होगा, नई जोश के साथ। 9-10 टॉपिक कर लिए हैं और ये जो कर लिया सीडीपी में 30 में से 28-29 मेरा है, तो तुम्हारा भी आएगा, आपका भी आएगा। ठीक है, तो 30 में से 30 आएगा अगर आप कोशिश करेंगे मेरे साथ। आपको ऐसे अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, थोड़ा कमेंट करा करिए, लाइक करा करिए, हमको भी मोटिवेशन मिलता है भाई, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, इससे मेरा कोई नहीं फायदा है। जय हिंद, जय भारत।